फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। और जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है उसमें रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग का जो भी पोर्शन था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज एक नया टॉपिक है रिस्पिरेशन का, जो है रिस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें किस टाइप के रिस्पिरेशन पाए जाते हैं और क्या उनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है। ठीक है, हम जो ह्यूमन बींग है वो सबसे डेवलप है, सबसे एडवांस टाइप के जो भी सिस्टम होते हैं वो हमारे अंदर ही पाए जाते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स लोअर एनिमल्स हैं सबका जो भी फंक्शन है वो थोड़ा प्रिमिटिव है हमारे कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैंने तीन सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स के मतलब रिस्पिरेटरी चीज़ें ली हुई हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में पाए जाते हैं, लोअर एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है स्किन का रिस्पिरेशन, कि कौन कौन से एनिमल्स है जो स्किन से रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो बच्चों सिर्फ उसमें क्या होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है। जो भी एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वही इन्वॉल्व होता है, वही गैसेस एक्सचेंजेस करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने गैस ऑक्सीजन यहाँ से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से छोड़ा, ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं से गैसेस ऑक्सीजन कहीं से एब्जॉर्व कर रहा है तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, वही एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स से वो दोनों प्रोसेस करेगा। मैक्सिमम जो प्रोसेस होती हैं गैसेस एक्सचेंज की वो है डिफ्यूजन के थ्रू होती हैं, ये हम लोगों ने चीज़ें क्लियर की थी। तो जो भी एक रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होगा वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होगा बाय द डिफ्यूजन, या ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किन की रिस्पिरेशन है वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स लोअर एनिमल्स शो करते हैं। इसमें सबसे पहले जो शो करता है वो है अर्थवर्म, लीचेस एंड फ्रॉग। ये कुछ एनिमल्स हैं जो अपना रिस्पिरेशन जो होता है स्किन के थ्रो करते हैं। अब वो कैसे होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सचेंजेस ऑफ गैस, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू स्किन विच इज थिन, मॉइस्ट, वैस्कुलर एंड परमिएबल। यानी अगर हम बात कर रहे हैं स्किन की, कि यहाँ से रिस्पिरेशन हो रहा है, ये स्किन है, ठीक है, मान लो यहाँ से रिस्पिरेशन हो रहा है, तो हमारे माइंड में क्या क्या ऐसी चीजें आएंगी जिससे रिस्पिरेशन जो हो ईजी हो, जो फीचर्स रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए अगर स्किन से रिस्पिरेशन हो रहा है। तो इट शुड बी थिन, थिन होना चाहिए तभी तो इजी होगा, परमिएबल, ओके, ये मॉइस्ट होना चाहिए, एंड इट शुड बी अ वैस्कुलर, यानी इसमें ढेर सारे वेसल्स वगैरह जो होते हैं, कैप ब्लड वेसल्स होते हैं उनके प्रेजेंस की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, क्यूटेनियस मीन्स स्किन, ओके। तो यहाँ पे ये जो होता है इसको हम क्यूटेनियस रिस्पिरेशन भी बोल सकते हैं या स्किन के थ्रू भी रिस्पिरेशन बोल सकते हैं। तो इसके मेन फीचर क्या है कि स्किन शुड बी थिन, मॉइस्ट, वैस्कुलर एंड परमेबल, ठीक है। और ये किस में हो रहा है, इसके एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीच एंड फ्रॉग। इन अर्थवर्म द स्किन इज केप्ट मॉइस्ट by muscular secretion by glandular cells of epidermis, यानी इसके जो epidermis, epidermis क्या होती है, ऊपर की लेयर होती है, उसमें बहुत से glands present होते हैं जो secrete करते हैं, mucus को secrete करते हैं, जिससे skin जो होती है moist हो रहती है। ठीक है, स्किन क्या होती है, मॉइस्ट रहती है। आपने कभी अर्थवर्म देखा है, वो अर्थवर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल फर्टिलिटी। वो क्या करता है, सॉइल को बहुत अच्छे से मतलब फर्टिलाइज करता है, ठीक है, उसके सॉइल के अंदर ही वो रहता है और जिससे वो सॉइल को फर्टिलाइज करता है, तो वो फार्मर का बहुत अच्छा फ्रेंड माना जाता है। तो जब भी आप अर्थवर्म को देखोगे ना तो वो बहुत चिपचिपा सा और स्टिकी स्टिकी सा उसको देख के लगेगा आपको, क्योंकि उसके स्किन जो एपिडर्मिस स्किन होती है वो ग्लैंडुलर होती है, यानी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं जो उसके स्किन को मॉइस्ट रखती है।
ठीक है। अब क्योंकि स्किन से रिस्पिरेशन कर रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी स्किन मॉइस्ट रहे, क्योंकि एक फीचर है ना रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अगर स्किन है तो उसका फीचर है कि वो परमेबल रहे, मॉइस्ट रहे और स्किन थिन रहे, ग्लैंडुलर रहे, वेस्कुलर रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है फीचर है। तो ये जो मॉइस्चर यू नो प्रोवाइड करती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्किन रिस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और इसमें सिलोमिक फ्लूइड्स होते हैं और ये मॉइस्चर करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो स्किन होती है वही रिस्पिरेशन शो कर रही है, वो मॉइस्चर रहती है हमेशा यू नो सॉफ्ट रहती है और मॉइस्चर रहती है, क्योंकि जो उसके सराउंडिंग में ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके सराउंडिंग में, वो उस मॉइस्ट स्किन में ही डिजॉल्व होके अंदर जाता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है ना, स्किन से रिस्पिरेशन शो कर रहा है तो स्किन मॉइस्ट इसीलिए रहती है, उसमें मॉइस्चर इसीलिए प्रेजेंट रहता है कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन उसके चारों तरफ घूम रहा है वो उसके साथ डिजॉल्व होके मॉइस्चर में डिजॉल्व होके उसके स्किन में जाता है। और उसके स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो उस ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के प्रोसेस से ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी के थ्रू बाहर निकाल देती हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि जो अर्थवर्म है वो स्किन रिस्पिरेशन शो कर रहा है। अर्थवर्म की स्किन को आप कभी देखोगे वो बहुत थिन रहती है, बहुत पतली रहती है, अंदर की भी चीज़ें दिखती रहती हैं, मॉइस्ट रहती है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसकी स्किन इसीलिए मॉइस्ट रहती है क्योंकि ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। मॉइस्चर का एक और रीज़न है कि वो जो सराउंडिंग उसके ऑक्सीजन रहता है उसको उस मॉइस्चर में डिजॉल्व करके स्किन के थ्रू लेती है। और उसके स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जो उस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेते हैं, ले लेते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस से और कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हुआ, स्किन रेस्पिरेशन हुआ जो किसमें हो रहा है, अर्थवर्म में हो रहा है, लीच में हो रहा है और फ्रॉग में हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आई क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और अर्थवर्म किस तरह से रेस्पिरेशन शो करता है। उसके बाद जो सेकेंड आता है वो है गिल्स, गिल्स रेस्पिरेशन। अब गिल्स से तो कुछ तो आइडिया आ गया होगा कि गिल्स किसमें प्रेजेंट होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है फिशेस में। तो फिश तो सभी लोग ने देखा होगा, आई थिंक ऐसा हो नहीं सकता किसी ने फिश ना देखा हो। तो फिश को जब आप देखोगे तो ये इसका यू नो हेड होता है और हेड के दोनों साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है गिल्स, क्या प्रेजेंट होती है गिल्स, ठीक है। तो जब हमें पता है कि जो फिश होता है वो वाटर में ही रहता है, ठीक है, तो क्या होता है इस गिल्स रेस्पिरेशन में कि हेयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। मैंने बोला था कि एक ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हर यू नो एनिमल्स में होगा, वहीं से गैसेस एक्सचेंजेस होंगे। द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर, द वाटर देन गोज थ्रू आउट थ्रू द गिल्स स्लिट। यानी ये जो फिश होती है उसको आप देखोगे कभी भी कि वो हमेशा अपना माउथ को ओपन करती है, ऐसे ऐसे ओपन करती रहती है, ओपन करती है, क्लोज करती है, ओपन करती क्लोज करती है। कभी ये चीज़ एब्जॉर्व करी होगी आपने, अगर किसी ने मतलब अपने घर में एक्वेरियम रखा होगा या किसी ने फिश को देखा होगा बड़े गौर से, तो या यू नो मूवीज मतलब जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्रीज रहती हैं वो सब में अभी आप देखोगे तो फिश जो होती है हमेशा अपना माउथ ओपन करती रहती है। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या रीज़न है कि वो अपना माउथ ओपन कर रही है? इसके पीछे पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हमें पता है कि फिश जो होती है वाटर में प्रेजेंट रहती है, वही वहीं पे वाटर ही मतलब उसका जो है रहता है, वाटर में ही वो रहती है। तो वाटर में क्या डिजॉल्व होता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है। और तो कोई है नहीं क्योंकि वो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहेगा तो उसको वो वाटर से ही ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब वो माउथ ओपन करती है तो ऑक्सीजन यानी वाटर, वाटर में ऑक्सीजन है वो उसके मुंह के अंदर चला जाता है। समझ में आ रहा है, उसने मुंह को ओपन किया, वाटर उसके मुंह के अंदर गया, उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, फिर वो उसके मुंह से फैरिंग्स में जाके गिल्स में जाता है। गिल्स जो होता है कवर होता है, गिल्स कवर होता है
बाहर से आप देखोगे तो गिल्स कवर रहेगा, उसके कवर को उठाओगे तो गिल्स दिखेगा, उसमें गिल्स लैमिला होता है, लैमिला में ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जहां पे डिस्पेरिटी ऑर्गन्स होगा वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड कैपिलरीज का प्रेजेंस होना ही होना है। हमने ये किस्मत भी देखा था, ह्यूमंस में भी देखा था कि जो एल्वोलाई है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो सराउंडेड है ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरीज से। तो सेम यहाँ पे भी जो गिल्स है वही मेन रिस्पायरेटरी इसका ऑर्गन से पानी तो मुंह से ले रहा है, फिश जो है पानी मुंह से ले रहा है, क्योंकि पानी में क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन। जब मुंह से पानी गिल स्लिप में जा रहा है, यहाँ से जब ये गिल स्लिप में जा रहा है, गिल्स में जा रहा है, तो वहां पे क्या प्रेजेंस है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो पूरे बॉडी से आया हुआ है, ठीक है। वो पानी आता है जब गिल्स में तो वो ऑक्सीजन को ले लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ पे मैंने लिखा है वो ऑक्सीजन को पानी से एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये ब्लड कैपिलरीज को दे देता है, और ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पानी में जाके फौरन बाहर थ्रो आउट हो जाता है। समझ में आ गया ये प्रोसेस कितना, मतलब फिश के अंदर भी क्या क्या डिफरेंट चीजें दिख रही है ना, कि वो माउथ से ले रही है, वाटर माउथ से ले रही है, यानी ऑक्सीजन माउथ से ले लिया उसने, वो वाटर यानी ऑक्सीजन जो वाटर में है वो गिल्स में जा रहा है, गिल्स में ब्लड कैपिलरीज है जिन्होंने अपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, और ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करी वाटर से, और अब गिल्स से वो वाटर जो है बाहर निकल गया, गिल्स में जो होती है गिल स्लिट्स होती है कई, तो उससे वो बाहर निकल गया और फिर से वो कवर हो गया, ठीक है। तो ये किसमें होता है गिल्स सस्पेंशन, तो फिश ने शो किया, और कौन कौन शो करता है, प्रॉन, मोलस्क, फिशेस, टैटपोल्स ऑफ एम्फीबियंस, यानी ये सब जो होते हैं फिशेस के जो फैमिली होती है मोस्टली उसी में ये हो रहा है। तो प्रॉन, मोलस्क, फिशेस, टैटपोल्स ऑफ एम्फीबियंस में होता है गिल्स रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड आते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकिया तो हमारे अंदर भी होता है, बट वो क्या होता है, एक पाइप होता है, ठीक है। ट्रैकिया का एक बड़ा पाइप होता है जो हमने यहाँ से देखा था, नीचे आता है थोरैक्स कैविटी तक आता है, वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। बट जो अभी मैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ लोअर एनिमल में, स्पेशली कॉकरोच या फिर ग्रास होपर में, यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्रांचेस में होती हैं, इनका पूरे बॉडी में ये पाई जाती है ब्रांचेस में, ठीक है। ये इस तरह के ब्रांच में, पूरी बॉडी में इस तरह के ब्रांच में पाई जाती हैं, इधर से डिवाइड होती हैं ऐसे ऐसे, मतलब पूरे बॉडी में इनका ब्रांचियल सिस्टम चलता रहता है, इस टाइप से पूरे बॉडी में चलता रहता है। तो ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो होता है, इन इंसेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर हाईली ब्रांच्ड एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। दिस ट्रैकियल्स आर कनेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर बाई माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकल्स, यानी ये जो ट्रैकिया है, ये जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के ऊपर छोटी छोटी टाइनी पोर्स होते हैं, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रैकिया होती है ये डिवाइड होती है, रीडिवाइड होती है और पूरे बॉडी में फैली होती है, उनके ऊपर होते हैं ये पोर्स, टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पोर्स में आता है बाहर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो ये लेते हैं और ये डायरेक्ट टिश्यू को दे देते हैं, इसमें ब्लड का कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ब्लड का रोल है, ब्लड जो है ब्लड कैपिलरी से वो लेता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन की, जो ग्रास होपर में पाया जाता है या कॉकरोच में पाया जाता है, इसमें क्या होता है कि ट्रैकिया इनके होल बॉडी में पाई जाती हैं, जो डिवाइड और रीडिवाइड होते होते पूरी फैली रहती हैं, ठीक है। इनके ऊपर होते हैं एक टाइनी टाइनी पोर जिसको स्पाइरेकल्स कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक जो इन्वायरमेंट होता है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं,
वो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं और डायरेक्टली बॉडी के टिश्यू में भेज देते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड का कोई रोल नहीं होता है कि लेगा ऑक्सीजन और ब्लड फिर पूरे बॉडी में फैलाएगा, क्योंकि इनका ब्लड जो होता है वो हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेरिकल जो होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेता है और उसको जो है डायरेक्ट बॉडी के टिश्यू में भेज देता है, ये इनका प्रोसेस होता है। और फिर इसी के थ्रू जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है सेम प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे ब्लड का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे ब्लड का कोई रोल नहीं है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने लोअर एनिमल में रेस्पिरेशन देखा है, जो है फर्स्ट स्किन रेस्पिरेशन, सेकेंड गिल्स रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन है। स्किन रेस्पिरेशन कौन कौन शो करता है, अर्थवर्म, लीच एंड फ्रॉग। वो किससे होता है, अर्थवर्म में हमने देखा उनकी स्किन बहुत थिन मॉइस्ट रहती है, ठीक है, परमेबल रहती है। वो क्या करती है, जो उनके सराउंडिंग में ऑक्सीजन रहता है उसको मॉइस्चर में डिसॉल्व करके स्किन से ले लेती है, और स्किन के नीचे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होता है जो ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उसी के थ्रू निकाल देता है। उसके बाद सेकेंड आया है गिल्स रेस्पिरेशन में, जो प्रेजेंट होता है फिशेस में, मोलस्क में, प्रॉन, टैडपोल ऑफ एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है। ये क्या करती हैं, ओपन करती हैं माउथ को, वाटर लेती हैं जिसमें वाटर डिजॉल्व होता है वो गया, और फिर वो गिल्स के थ्रू जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है गिल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरीज जो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आई रहती हैं। जैसे ही गिल्स में आता है पानी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती हैं पानी में और ऑक्सीजन को पानी से ले लेती हैं। इसीलिए जब हम फिश को बाहर निकालते हैं तो पानी से, तो वो मर जाती हैं, क्योंकि वो उनके पास होता है गिल्स जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही वर्क कर सकता है। अगर उसको बाहर पानी से निकाल देंगे, टेरेस्ट्रियल कंडीशन मिला देंगे, तो वहाँ पे वो जिंदा नहीं रह पाएंगी, ठीक है। ऐसे तो टेरेस्ट्रियल या एटमॉस्फेयर में जो होता है वहाँ पे तो ज़्यादा ऑक्सीजन है ब्लड की कंपैरिजन में, मतलब वाटर की कंपैरिजन में, वाटर में कम ऑक्सीजन रहता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल। जो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल है ना, तो हम लोग जो होता है एनवायरनमेंट इस तरह के बाहर के एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन है। बट फिश को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिश तो एक्वाटिक है, उसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो गिल्स है, और गिल्स जो होता है पानी में ही वर्क करता है। जब उसको टेरेस्ट्रियल कंडीशन देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा और फिश मर जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, जो स्पेशली पाया जाता है कॉकरोच और इंसेक्ट फैमिली में, जितनी भी इंसेक्ट फैमिली है उनमें ये पाया जाता है। और ये जो होता है कॉकरोच ग्रास ओपर में पाया जाता है, यहाँ पर ट्रैकिया जैसे हमारे अंदर ट्रैकिया था वैसे इनके अंदर भी होता है, बट वो बहुत ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ठीक है। इनके ऊपर होते हैं टाइनी पोर्स जिसको स्पेरिकल कहते हैं, ये बाहर से ऑक्सीजन इसी के थ्रू लेते हैं और डायरेक्ट टिश्यू में दे देते हैं, क्योंकि इनका ब्लड जो होता है वो क्या कहते हैं, इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। इनके ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन था वो था लोअर एनिमल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो, आज यहाँ पे रेस्पिरेशन का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आज आपको पूरा का पूरा जो भी डिस्कशन था वो समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।